दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई देश स्थित हैं जहां पर अजीबोगरीब कानून बनाए गए हैं जिसका पालन वहां के लोगों को करना ही पड़ता है, वरना वो सजा के भागीदार होंगे। ऐसा ही एक देश संयुक्त अरब अमीरात है। यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है और इन सभी अमीरातों के अलग अलग कानून हैं। इन सब में से एक प्रमुख अमीरात दुबई है। दुबई की अपनी अलग ही खासियत है। यह अपनी खूबसूरती और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुबई अपने आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ के कारण लोगों को अपनी ओर बहुत आकर्षित भी करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। नहीं है कोई एड्रेस सिस्टम। दुनिया भर के तमाम शहरों में एड्रेस सिस्टम होता है जिसके जरिए लोग किसी भी जगह पर बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो वहां की पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप वहां खो जाएंगे। ऐसे में अगर आपको दुबई में किसी एड्रेस पर जाना है तो वहां के आसपास के मकान या होटल्स या किसी अन्य प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। शादी से पहले नहीं बना सकते संबंध। दुबई में शादी से पहले महिला या पुरुष किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। ऐसा करना अवैध है और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार करने के अलावा निर्वासित भी किया जा सकता है। हालांकि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शादी से पहले खुलेआम हाथ पकड़कर चलने और किस करते हुए पकड़े जाने पर भी जेल हो सकती है या कोई कड़ी सजा भी हो सकती है। दुबई में क्राइम ग्राफ है 0, जहां दुनिया भर के तमाम शहरों और जगहों पर आए दिन अपराध, खून खराबे, रेप जैसी घटनाएं आती रहती हैं, वहीं दुबई में इसका बिल्कुल उल्टा है। दुबई दुनिया की ऐसी सिटी है जहां पर क्राइम ग्राफ 0 है। हिफाजत की नज़र से दुबई सबसे सुरक्षित शहर है। यहां आप बिना किसी डर के रात में घूम सकते हैं। दुबई में क्राइम ग्राफ 0 होने का सबसे बड़ा कारण यहां पर सख्त कानून है। अपराध न होने की वजह से दुबई को दुनिया की सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। अगर कोई अपराधी पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। दुबई में सबसे ज्यादा है इंडियन। दुबई में वहां के खुद के निवासियों की संख्या बेहद ही कम है। यहां पर कुल जनसंख्या के केवल 17% आबादी ही दुबई वासियों की है तथा 50% जनसंख्या भारतीयों की और बाकी की 33% जनसंख्या दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों की है। नहीं लगता है इनकम टैक्स। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में आने के कारण दुबई में रह रहे लोगों की आय का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। दुबई में तेल के अथाह भंडार हैं। इसके विपरीत यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है। दुनिया की 20% क्रेन दुबई में है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितनी क्रेन है उसकी 20% क्रेन सिर्फ दुबई में है, जिसका इस्तेमाल वहां पर ऊंची, सुंदर और हैरत अंगेज इमारतों के निर्माण में किया जा रहा है। एटीएम से निकलते हैं सोने के सिक्के। दुबई में ऐसे भी कई एटीएम हैं जिनमें से सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के निकलते हैं। इस मशीन पर भी सोने की मोटी लेयर चढ़ाई गई है और यहां कस्टमर को 24 कैरेट के गोल्ड कॉइन
और गोल्ड बिस्किट के कई ऑप्शन मिलते हैं। घर में शराब पीने के लिए जरूरी है लाइसेंस। दुबई में आपको अपने ही घर में अल्कोहल या शराब रखने अथवा पीने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। लीकर लाइसेंस के बिना आपको अपने घर में शराब पीने की इजाजत नहीं है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आप दोषी करार दिए जाएंगे और आपके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।